स्पेक्ट्रम कुछ बातें कुछ गीत हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत के स्वर्णकाल के गीतों की शोहरत दशकों बाद भी मोतियों माणिकों जैसी चमक को लिए बरकरार है। संगीतकार रोशन लाल नागर और मदन मोहन कोहली दोनों की याद का दिन है आज। शास्त्रीय संगीत लोक संगीत की पहचान लिए इनके नगमे आज भी मकबूल हैं। सुनो तो यूं लगता है कि पहाड़ों से निकले कई कई झरने एक साथ बह रहे हों। साजों की भीड़ नहीं, फिर भी नगमे दिल से होकर रूह में उतर जाते। गीत, गजल, ठुमरी, नज्म, कव्वाली सभी को सुंदर सुर लहरियों में ढालने का गजब का फन। तो आज ताजा करते हैं इन दो अजीम संगीतकारों की याद को। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आपको ये गीत पहचानना है श्रोताओं। आपको पहचानना है श्रोताओ, फिल्म आपको पहचाननी है। बहरहाल ये गीत आप सुन रहे थे बरसात की रात फिल्म से, जो 1960 के दशक की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक मानी जाती है। सुमन कल्याणपुर, कमल बारूद की आवाज़ थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे और इस गीत को संगीतबद्ध किया रोशन ने। मिश्रित धुनों को अपनी सुर लहरियों में उतारने में दोनों ही कलाकार बेमिसाल थे श्रोताओ। ऑल इंडिया रेडियो से दोनों का ही वास्ता था। आपके बहुत सारे कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं हमें मिले हैं और कोशिश करेंगे उनमें से पढ़ने की भी। बहरहाल आप सुनिए और इस आवाज़ को पहचानिए।
आज जहाँ बैठकर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, यही 10 वर्ष तक मैं काम कर चुका हूँ। तब मेरे सामने बड़े जोरों से उठा था जब मैं रेडियो शो तक फिल्म में आया था और सुधा शर्मा जी ने अपनी पहली फिल्म नेकी बदी के संगीत में निर्देशन का भार मुझे सौंपा था। मेरा संगीत उस फिल्म में बिल्कुल नाकामयाब रहा। तब मैंने रेडियो और फिल्म के म्यूजिक का फर्क पहचानने की कोशिश की। पता चला कि रेडियो के गीत केवल गानों को सुनने तक ही सीमित रहते हैं, जबकि फिल्म में उसको आप कितने रूप में भी देखते हैं। फिल्म में सीन, कहानी की सिचुएशन, मूड वगैरह बहुत सी बातों का ख्याल रखकर धुन बनानी पड़ती है, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है। बागरमैन के गीतों की मशहूरी शायद मेरी उसी सूझ बूझ का नतीजा थी। आपने पहचान ही लिया होगा श्रोताओं, रोशन लाल नागर बेमिसाल संगीतकार, इन्हीं की आवाज आप सुन रहे थे। पहचानिए इस गीत को। और आपने ये भी सुना कि रोशन लाल नागर की पहली कामयाब म्यूजिकल हिट फिल्म थी बावरे नैन। श्रोताओं, आपको गीतकार बताने हैं। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, बहाना फिल्म का ये गीत था
बेहद सुरीला गीत राग यमन पर आधारित। याग राग यमन ये एक ऐसा राग था श्रोताओ, जो संगीतकार रोशन और संगीतकार मदन मोहन दोनों को ही बेहद पसंद था। ये गीत राग यमन में ही था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, शास्त्रीय और लोक संगीत के बीच सामंजस्य बनाकर चलने वाले रोशन जैसे संगीतकार के पास चित्रलेखा का शाहकार संगीत मौजूद है, तो वहीं पर मदन मोहन के नाम ऐसे गीत मौजूद हैं जो मदन जी की कला का स्पर्श पाकर गजल और गीतों का अजब मिश्रण घोलते हैं। दोनों ही संगीतकार आज हमारे बीच नहीं, मगर वे अपने संगीत के जरिए जिस शिखर पर खड़े हैं वह आने वाले बरसों बरस तक वहीं रहने वाले हैं। यह एक गीत उनके व्यक्तित्व की निशानदेही के लिए काफी है। इन्होंने लिखा है, रहें न रहें हम महका करेंगे बन के गली बन के सबा। क्या खूब लिखा है इन्होंने, और हमारे कई सारे श्रोताओं ने ऐसी सुंदर बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हिंदी सिनेमा के दो महान हस्तियों का दिन हम मना रहे हैं, संगीतकार रोशन जी का जन्मदिन, संगीतकार मदन मोहन जी की पुण्यतिथि। दोनों नायाब हीरे थे और दोनों ने मधुर संगीत से लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे गीत भरे कि दुनिया आज भी उनके गीत सुनने बिना नहीं रह सकती। संगीतकार रोशन ने जहाँ फिल्मों में अपनी कव्वालियों से लोगों को रूबरू कराया, वहां मदन मोहन की गजलों ने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। इन महान संगीतकारों को शत शत नमन। जी हाँ, हम भी नमन करते हैं इन महान संगीतकारों को। अभी गीत श्रोता आप सुनिए और बताइए कि गीतकार कौन है।
आपने ठीक फरमाया है श्रोताओं, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा राशन का सर्वदिकीय ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरती से। इस गीत की खासियत ये रही श्रोताओं कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी पर और पंडित राम नारायण से सारंगी पर इस गीत में बड़ा ही सुंदर सा एक कह सकते हैं कि काम लिया गया, और जो ये संगीतकार थे ऑर्केस्ट्रा का बड़ी ही किफ़ायत से इस्तेमाल किया करते थे। एक मकबूल फन जो संगीतकार हैं उनकी ज़ुबानी सुनिए। मदन मोहन साहब के लिए मैं अर्ज कर चुका हूँ बहुत पहले भी, और कई दफ़े मैंने अर्ज किया है कि मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोज़र थे, और उन्होंने ख़ास तौर से गज़लें जो कंपोज़ की बहुत ही लाजवाब और आज भी दिलकश लगती हैं और हमेशा लगेंगी, इसलिए कि उसमें अपनापन है। तो मैंने एक दफ़े उनकी गज़ल सुन के, बल्कि ये लफ्ज़ कहा था जो कई दफ़े दोहराया मैंने, ऐसी में प्यार की आबरू वो जफा करें मैं वफा करूं, तो मैंने सुनी वो गज़ल, इतनी पसंद आई, मैं मदन साहब के घर गया, मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गज़ल पर मेरा सारा काम कुर्बान। तो रोने लगे बेचारा, अरे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर हूँ। अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज़ अच्छी चीज़ है, तुमने बड़ी अच्छी चीज़ ये बनाई, और ये नहीं कि मैंने कहा तुमने सुना दीवारों ने, मैं किसी मजमे में कहूँगा, तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिसको चीज़ को दोहराया था। आपको अदाकारा बतानी है,
सुरीला संगीत राजा मेहदी अली खां के बोल, अनपढ़ फिल्म का ये गीत जो फिल्माया गया अभिनेत्री माला सिन्हा पर। हमारे श्रोताओं ने अलग अलग अपनी बातें लिखी हैं। लिखते हैं कि एक श्रोता, अपने समय में कामयाब होना, कामयाबी और लोकप्रियता को गुजरते वक्त के साथ बनाए रखना, ये कलाकार की सफलता और उसके मेहनत को दर्शाता है कि सुनने वालों को भी पता नहीं चलता और उनके कर्णप्रिय गीत सीधे कानों से दिल में उतर जाते हैं। ये थे संगीतकार मदन मोहन जी और रोशन जी। इनके सभी गीत कालजयी हैं, सभी आज भी मुझे बहुत पसंद हैं। कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रोशन जी ने अपने संगीत में सर्वाधिक प्रभाव दिग्गज संगीतकार अनिल विश्वास जी का मानना है कि रोशन जी के संगीतिक अवधारणा में एक ओर शास्त्रीय ढंग का मैहर घराना बोलता है तो दूसरी ओर बंगाल स्कूल का जादू, उसमें कई बार बंगाल की अपनी लोक धुनों के साथ वहाँ के कीर्तन गायन की रंगत दिखाई पड़ती है। उनके संगीत में अवध के संगीत से छनकर आने वाली लोक संगीत की विराट संपदा अलग से मिलती है। तो आप बता दें कि रोशन वो कौन सा साज बजाया करते थे श्रोताओ, और इसी साज के जरिए बतौर कलाकार ऑल इंडिया रेडियो में काम भी किया करते थे। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, बता दें श्रोताओं। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं, ये दो दिन का मेहमान नहीं, ये दो दिन का मेहमान मकबूल
फिल्म संगीत के मद्देनजर ये थी देवर, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, और गीतकार थे आनंद बख्शी। रोशन का सुरीला संगीत था। आनंद बख्शी के साथ रोशन ने कई फिल्मों में संगीत दिया। श्रोताओ, आनंद बख्शी को ब्रेक भी दिया, और आनंद बख्शी और रोशन की जो पहली खूबसूरत म्यूजिकल हिट फिल्म आई साथ में, जिसमें इन्होंने काम किया, वो थी बाबर। इस फिल्म के संगीत ने, श्रोताओ कह सकते हैं कि सिनेमा जगत के, संगीत की दुनिया के सारे आयाम ही बदल कर रख दिए थे। और अब लता मंगेशकर जी को सुनते हैं। बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना। मेरा जो हाल है तुझ दिन हुआ कर दे के साथ आप सुन रहे थे। फिल्म आपने पहचान ली होगी श्रोताओ, वो कौन थे, इस फिल्म का गीत था राजा मेहदी अली खां का लिखा, संगीतकार मदन मोहन। हमने आपसे एक सवाल पूछा था श्रोताओ कि संगीतकार रोशन किस वाद्य को बखूबी बजाया करते थे। आपने, आप में से कुछ लोगों ने लिखा है इसराज, बहुत अच्छा वो बजाया करते थे, और इसी इसराज को लेकर वो बतौर कलाकार भी ऑल इंडिया रेडियो में आए। अगले गीत को आपको सुनना है, पहचानना है, गीतकार बताने हैं, और ये भी हमें ज़रूर बताइए कि संगीतकार मदन मोहन सेना के किस पद पर कार्यरत थे। Oh,
नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे, मत हो और तू आए, खुदा करे के कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। मीना कुमारी और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत बहुबेगम से था। आप सुन रहे थे साहिल ध्यानवी का लिखा, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज़ें थी। और हमने आपसे पूछा था जो सवाल श्रोताओं, सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर मदन मोहन कार्यरत भी एक ज़माने में हुआ करते थे, बाद में वो संगीत की दुनिया में आ गए। वैसे संगीत में रुचि उनकी बचपन से ही थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रोशन और मदन मोहन अपने समकालीन संगीतकारों में लोकप्रिय संगीतकार रहे हैं। इन्होंने फिल्म संसार को अपने अमूल योगदान प्रदान किया। अल्पायु रोशन जहाँ शास्त्रीय संगीत और कव्वाली रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, वहीं मदन मोहन कोहली जी अपने मधुर धुनों से लोगों का दिल जीता। इनके साथ लता मंगेशकर जी का बड़ा अच्छा सा एक कह सकते हैं कि एक ट्यूनिंग थी इनके संगीत में। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मदन मोहन के काम का दायरा इतना बड़ा है कि उनकी पैमाइश एक लेख में नहीं हो सकती। मदन मोहन के अंदर शब्दों के साथ जुड़ी हुई लय को पहचानने की ज़बरदस्त क्षमता थी। इन्होंने हिंदी फिल्मों में गज़ल और गीतों को बराबर खूबसूरती से साधा। और खूबसूरत फिल्म 1952, तलत महमूद की गई गज़ल मोहब्बत में कशिश होगी तो एक दिन तुमको पा लेंगे, 1958 में अदालत की गज़ल यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, इन सब गीतों को फिल्मों को इन्होंने याद किया है। और लिखा है कि जिस तरह कंपोज की है वो मदन मोहन स्टाइल बन गई। संगीत की जितनी विधाएं होती हैं उन सब का उन्हें गहरा ज्ञान और समझ थी। गीत की रचना और शब्दावली पर उनकी पैनी नज़र रहती थी। वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ गीतों को सुरबद्ध करते थे। आपको ये फिल्म पहचाननी है। Thank you.
नमस्कार, मदन मोहन जी की ये कालजी रचना आप सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से। इस गीत की डिटेल भी आपने बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोताओ। राजा मेहदी अली खां ने इस गीत की रचना की थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और इस गीत को संगीतकार मदन मोहन ने बड़ी ही खूबसूरती से राग भीम पलासी पर फिल्माया और संगीतबद्ध किया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियाँ कि रहे न रहे हम महका करेंगे, इस गीत की पंक्तियों से यही बात सिद्ध होती है कि ऐसे कालजयी गीतों की खुशबू और स्वर लहरियां हमेशा हम सबके दिलों में वो फूल बनकर महकती रहेंगी जो कभी नहीं मुरझाएगा। दोनों संगीतकारों को मेरा शत शत नमन। और कुछ गीत भी लिखे हैं भारतीय, एक और श्रोता लिखते हैं, भारतीय हिंदी फिल्म संगीत में एक से बढ़कर एक संगीतकार हुए, लेकिन इसका जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो दो संगीतकारों के बिना वो इतिहास अधूरा ही माना जाएगा, जिनमें एक है मीठी धुनों के सृजनकर्ता रोशन और दूसरे हैं गजलों के बादशाह मदन मोहन। रोशन को कव्वाली बनाने में भी महारत हासिल थी। दोनों संगीतकारों की कुछ रचनाएं अमर हो गई हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आप इस आवाज़ को पहचान सकें तो पहचाने। जिसने बहुत नाम पैदा किया और जिसको हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक में एक बड़ा अजीम दर्जा मिला, उस जमाने में तनख्वाह सिस्टम होता था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अभी नहीं शुरू हुआ था। भाटकर को मैं हमेशा से, वो मेरा परमानेंट म्यूजिक डायरेक्टर रहा है, तो मैंने भाटकर से कहा कि मैं दो म्यूजिक डायरेक्टर तो अफोर्ड नहीं कर सकता यार, तुम थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लो, इनको बहुत ज़रूरत है, ये आए हैं दिल्ली से, तो ज़रा इनको ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो भाटकर ने कहा जी हाँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो पहली जिस पिक्चर के लिए उन्होंने म्यूज़िक दिया वो थी नेकी बधी, और वो उनका म्यूज़िक टोटल फ्लॉप निकला। नेक्स्ट पिक्चर में भावरानंद बना रहा हूँ, इसमें फिर तुम्हारा म्यूज़िक, और इस तरह से ये रोशन आए, और फिर तो जाहिर है कि उन्होंने कितना अच्छा म्यूज़िक दिया। जी
शुदा आप अदाकारा बता दें। तो है इस फिल्म की यह कव्वाली आप सुन रहे थे रोशन की सरदर्दी की हुई आशा भोसले और सखियों की आवाजें थी। सहेल उद्यानवी का लिखा यह गीत था। इस गीत को आपने बिल्कुल इस गीत की डिटेल भी बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोताओं। और जो हमने आपको आवाज़ सुनवाई थी वो निर्माता निर्देशक केदार शर्मा जी की आवाज़ थी जो जिक्र कर रहे थे फिल्म बावरे नैन का और रोशन जी का। आपने ये कव्वाली सुनी और अब सुनिए मदन मोहन साहब की गजल का अंदाज। फिल्म पहचाने आप।
गजल का ये बेहतरीन अंदाज था मदन मोहन साहब का। लता मंगेशकर की आवाज़ थी मीनू मुमताज पर फिल्माया गया जहांरा फिल्म का ये गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार रोशन जी जिनका आज जन्मदिन है और ग्रेट म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन साहब की पुण्यतिथि, सादर नमन। हिंदी सिनेमा का वो स्वर्णिम युग जब इन दोनों महान संगीतकारों ने अपने संगीत से एक से बढ़कर एक गीत दिए जो सुनने वालों को आज भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, दो महान संगीतकार मदन मोहन जी और रोशन जी जिनका सुमधुर संगीत आत्मा को छू लेने वाला, सुकून देने वाला, जिसे बार बार सुनना चाहें, ऐसे फनकार और उनका संगीत हमेशा अमर रहे। ये गीत सुनिए श्रोता और पहचानिए ये गीत। बाद में ये फिल्म रिलीज हुई थी। संगीतकार पहचाने। आप अदाकार बता दें। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। मिटवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, कोहरे ताल मिले नदी के जल। अनोखी रात ये फिल्म रोशन जी के दुनिया से जाने के बाद रिलीज हुई। श्रोताओ, मुकेश की आवाज़ में ये गीत था। इंदीवर की रचना थी, संजीव कुमार पर फिल्माया गया। जाहिदा भी नज़र आती हैं इस गीत में और लोकधुन की बड़ी ही सुरीली सी आवाज़ इस गीत में है। और 1970 में फिल्म दस्तक के लिए, गज़लों के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से मदन मोहन साहब को नवाजा गया था। अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसमें मदन मोहन साहब की संगीतबद्ध की हुई ठुमरी का बड़ा ही अलग अंदाज। Oh,
आप अदाकारा बता दें। जिया मेरा चाहे मैं भी खेलूं सजनवा, बोली ऐसे राधा ने कन्हैया से प्रेम की होली खेली जैसे, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, बिन तुम्हारे कुछ न देखूं, मैंने रंग ली आज चुन लिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली। के अंदाज में बड़ा ही खूबसूरत सा संयोजन संगीत का था मदन मोहन साहब का। श्रोताओं, संगीत की दुनिया के आसमान संगीत का रोशन और मदन मोहन की कलाओं को इतने थोड़े से समय में समेटना नामुमकिन है। आज इन्हीं पर केंद्रित कार्यक्रम आपने सुना कुछ बातें कुछ गीत। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।